भलाई के काम करवाते हैं, 135 मानवता भलाई के काम है, अभी सब अच्छे ही काम बताते हैं। पिताजी ने कभी कुछ गलत नहीं सिखाया। और दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेन डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह चिंसा वडेरा सच्चा सौदा के बारे में लगातार पब्लिक सर्वे कर रहे हैं, पब्लिक की सीधी बातचीत आपको दिखाते हैं। हमारे साथ सुनीता जी हैं, जो पिछले 25 से डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। सुनीता जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आप 25 से डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हो, कैसा माहौल लगता है आपको? यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा है, मिलनसार हैं और कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचते। पिताजी हमेशा ही अच्छा, मतलब हर एक के लिए, मतलब अच्छा ही बताते हैं। भाई संगत के साथ हम लोग 25 से जुड़े, कभी भी किसी का बुरा नहीं किसी को करते देखा। और 136 मानवता भलाई के काम है, वो सब पिताजी ने हमें बताया कि हाँ भाई सबने करने हैं। और कभी भी ये जैसे मानवता भलाई के काम में हमेशा ही डेरा सच्चा सौदा आगे रहा है। आपकी फैमिली भी आती है? हाँ जी, पूरी फैमिली आई, बेटियाँ भी आती हैं आपकी? हाँ जी, हाँ जी। बेटियों को लेकर माहौल कैसा है? बेटियों को लेकर तो माहौल बहुत बढ़िया है यहाँ का, यहाँ तो बहुत अच्छा माहौल है। कहीं भी बेटियाँ अकेली भी घूम सकती हैं और कोई यहाँ पर डर नहीं है। बाहर जाकर देखो, कहीं भी लड़कियाँ अकेली जा ही नहीं सकती, और यहाँ हमारे यहाँ कहीं भी डेरे में, पूरे डेरे में कहीं भी घूमे कोई डर नहीं है कहीं भी। लेकिन मीडिया में तो उल्टा दिखाया जा रहा है। मीडिया वाले तो ऐसे ही गलत बोलते हैं, वो तो कुछ भी उछाल के दिखाते हैं। पिताजी के बारे में बहुत गलत बोला उन्होंने, पर वो सब झूठ है। जो आरोप संत जी के ऊपर लगाए जा रहे हैं ये सब झूठ है। सच क्या है फिर? सच तो ये है कि पिताजी तो हमेशा अच्छे काम ही बताते हैं, अभी हमेशा भलाई के काम करवाते हैं, 135 मानवता भलाई के काम है, अभी सब अच्छे ही काम बताते हैं। पिताजी ने कभी कुछ गलत नहीं सिखाया। फिर गुरुजी के ऊपर आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? ये तो कुछ ऐसी होंगी संस्थाएं जो नहीं चाहती कि हाँ भाई दुनिया में अच्छे काम होए, भलाई के काम होए, वो नहीं चाहते कि हाँ भाई मतलब अच्छा यहाँ सब अच्छा हो, इसलिए वो लोग झूठ मतलब इल्ज़ाम लगाते हैं। क्या आज समाज को गुरुजी की जरूरत है? बहुत ज़्यादा जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि दुनिया में बहुत अपराध हो रहे हैं, कहीं भी लड़कियां अकेली नहीं जा सकती हैं। वो तो हमेशा अच्छाई का ही वो करते हैं कि हाँ भाई चलो अच्छे रास्ते पे चलो, और बुराई के रास्ते छुड़वाते हैं और नशा छुड़वाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि हाँ भाई इस मतलब वो दलदल में फंसे ही रहे, नशे करवाते हैं, जो वो नहीं चाहते कि हाँ भाई दुनिया में मतलब ये सब नशा छोड़े। तो इसलिए भाई पिताजी की तो बहुत ज़रूरत है भाई हमें तो। उन्होंने किया क्या है समाज के लिए? समाज के लिए उन्होंने तो बहुत करा है, अच्छे ही काम करे। 136 मानवता भलाई के काम जो चल रहे हैं उन्होंने सब अच्छे ही अच्छे काम करवाए हैं। उनके ना रहने से समाज में क्या प्रभाव पड़ा है? उनके ना रहने से तो हमें बहुत ही ज़्यादा वो मतलब अब जैसे ऐसे लगता था कि पता नहीं अपनापन इतना महसूस होता था, और अब ऐसे लगता कि हमारा कोई है ही नहीं, वाली वारिस ही नहीं है। क्या मांग करोगे सरकार से? हम तो यही मांग करेंगे कि हमारे पिताजी बस जल्दी आ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जो मांग है डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह चिंसा के लिए समाज के अंदर बढ़ती जा रही है। आप लोग खुले दिमाग से सोचिए आखिर सच क्या है, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।